जय हिंद विद्यार्थियों, आज वीडियो लेक्चर में अपने धोरण 10 मैथ्स में अपने जो आईएमपी क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करी है, तो विद्यार्थियों आ सीरीज में अपने आगे बढ़ीशू। तो विद्यार्थियों लास्ट अपने आ सीरीज में चैप्टर नंबर 2 बहुपदी शॉर्ट क्वेश्चन करेला था, हवे एज शॉर्ट क्वेश्चन में अपने एट्ले कि चैप्टर नंबर 2 बहुपदी में आगे बढ़ीशू। तो विद्यार्थियों मैं तमने अत्यार सुधी बहुपदी चैप्टर में जे शॉर्ट क्वेश्चन कराया है, तो ते तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आगळना वर्षों में बोर्ड की परीक्षा में जेटला पण बहुपदी में जेटला पण क्वेश्चन पूछाई गया है, एटले के 2013 थी 2020 सुधीनी बोर्ड की परीक्षा, पछी रिपीटरना पेपर हो के रेग्युलर विद्यार्थीना पेपर हो, तमाम विद्यार्थीना तमाम पेपरना जेटला पण शॉर्ट क्वेश्चन है बहुपदी में तमाम क्वेश्चन करावी दीधा। तो ये बढ़ा क्वेश्चन थी मैं तमने टोटल 54 क्वेश्चन बहुपदी चेप्टर में कराया है। हवे विद्यार्थी त्यांथी आपणे आगळ वधीशुं, तो आजना लेक्चर में आप हमें एकाद कोईपण पेपर सेट आप लई लीए अथवा कोईपण गमे त्यांथी हूँ तमने क्वेश्चन कलेक्ट कर सॉल्यूशन करीश कि जे आ चेप्टर की हजी थोड़ी घनी प्रेक्टिस् कदाच बाकी हो तो थी जाए। तो चलो विद्यार्थी स्टार्ट करिए। तो विद्यार्थी हमें आजना लेक्चर में आप जे शॉर्ट क्वेश्चन जुवाना छे, तो शॉर्ट क्वेश्चन मैं एक पेपर सेट में लीधा है और आ पेपर सेटन हूँ तमने नाम नहीं कहीश, एट अननोन पेपर सेट लखेलू है, एट्ले कोईपण पेपर सेट हो यू नाम लईश नहीं। ओके विद्यार्थी, तो चलो विद्यार्थी आप क्वेश्चन तरफ नजर करिए। तो 55 क्वेश्चन आया है, 1 થી 54 क्वेश्चन मैं तमने कराया है, तो त्यांथी कंटीन्यू थाय छे 55 क्वेश्चन। तो आमा तमने कीधु छे कि पी ऑफ एक्स बराबर 0 होय तो वास्तविक संख्या एक्स ने बहुपदी पी ऑफ एक्स नो शून्य कहे छे, एटले खरु खोटू छे कि आ विधान खरु छे कि खोटू। तो विद्यार्थी तमने सवाल में कीधु कि पी ऑफ एक्स बराबर 0, ओके पी ऑफ एक्स एटले बहुपदी अने पी ऑफ एक्स नो जवाब 0, तो एनो मतलब शुं विद्यार्थी कि पी ऑफ एक्स नो जवाब 0 आवे छे। हवे विद्यार्थी बहुपदी नो जवाब 0 क्यारे आवे, तो विद्यार्थी बहुपदी में तमे एक्स की जगह कोई किंमत मूको छो अने सादुरूप आपवाथी जवाब 0 आवे, तो विद्यार्थी आज तमे एक्स की किंमत लो छो तो व्याख्या शू कही के कोनी व्याख्या आवी छे के भाई आपणे बहुपदी में एक्स की कई किंमत मूकवाथी ते बहुपदी सादुरूप जवाब जो 0 आवी जाए तो एक्स की ते किंमत ने शू कहेवाय। तो विद्यार्थी एक्स की किंमत ने बहुपदी पी ऑफ एक्स नुं शून्य कहेवाय। तो विद्यार्थी बेठी बहुपदी शून्य की व्याख्या आपेली छे, आमां शू आपेली छे बहुपदी शून्य की व्याख्या, जे व्याख्या तमे 9માં ધોરણમાં શીખેલા। અને વિદ્યાર્થીઓ મેં તમને આ ચેપ્ટરમાં આ ચેપ્ટર નંબર 2 બહુપદી સ્ટાર્ટ કર્યું શોર્ટ ક્વેશ્ચનની સિરીઝમાં, તો તે સિરીઝનો જે પહેલો વિડિયો છે ચેપ્ટર નંબર 2 નો તેમાં પણ મેં તમને આ કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરાવ્યો છે કે પી ઓફ એક્સ બરાબર 0 તો એક્સ ને કહેવાય બહુપદીનું શૂન્ય, એટલે વિદ્યાર્થીઓ આ વિધાન સાચું છે ખરું છે। ઓકે વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષામાં તમારે રકમ લખવાની કોઈ જરૂરિયાત નથી, ડાયરેક્ટ આ રીતે નંબર આપીને આન્સર લખી દેવાનો બરાબર। एना पछी 56માં क्वेश्चन ने समझिए, तो विद्यार्थियों त्रिघात बहुपदी पी ऑफ एक्स बराबर 2x³ माइनस 17x² वत्ता 38x ओछा 15 ना शून्य नो सरवारो माइनस 15 ना छेद में 2 थाय, तो खरुँ के खोटू। तो विद्यार्थियों तमने रकम में एक त्रिघात बहुपदी आपेली छे, आज बहुपदी तमने आपेली छे ते त्रिघात बहुपदी छे, केवी बहुपदी छे विद्यार्थियों त्रिघात। हवे तमने सवाल पूछो के आ बहुपदी ना शून्य नो सरवारो माइनस 15 ना छेद में 2 थाय, साचुं के खोटू भैया? तो विद्यार्थियों चेक कर लीए, गणतरी कर चेक कर लीए बराबर है विद्यार्थी। तो आज तमने बहुपदी देखाय छे तेमां आने कहेवाय ए, आ बी, आ सी अने डी। ओके विद्यार्थी, चलो शून्य नो सरवारो, तो त्रिघात बहुपदी ना शून्य नो सरवारा नो सूत्र शुं आवे ते याद करो। चलो फटाफट, त्रिघात बहुपदी है तो शून्य सरवाळा सूत्र माइनस बी ना छेद में ए आवशे। विद्यार्थी द्विघात और त्रिघात बंने माटे आ सूत्र सेम है, शून्य सरवाळा सूत्र। ओके हवे विद्यार्थी मैं तमने अत्यारे ज कीधु, तो आ है ए, आ है बी, तो आप बी की किंमत मूकवानी है, तो बी की किंमत जोई लो चिन्ह सहित किंमत मूकवानी, तो बी की किंमत है माइनस 17 छेद में है ए, तो विद्यार्थी आ ए पहलू ए कहवाय, तो ए की किंमत है 2। हवे सादुरूप आपीए तो ओछा ओछा वट्टा थाय एटले बचू शू, तो 17 ना छेद में 2 रह्या। तो विद्यार्थी अहींया तो तमने जवाब तरीके माइनस 15 ना छेद में 2 कीधुं ने आपणो जवाब आवे छे 17 ना छेद में 2, ला खोटू छे। केवुं छे विद्यार्थी? आ विधान खोटू छे, ख्याल आवशे विद्यार्थी तमने सादुरूप में। चलो आगळ वधीए, तो एना पछी 57મો क्वेश्चन, जो कोई त्रिघात बहुपदी ना 2 शून्य की किंमत 0 होय तो ते बहुपदी में एक्स वाळुं पद अने अचर पद न होय। विद्यार्थी आज क्वेश्चन है तो गाला एसाइनमेंट गाला एसाइनमेंट कदाच बीजा के तीजा एकाद पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आ आपेलो है। ओके विद्यार्थी, एट कदाच तमने आवड़त हो बनी सके अथवा कदाच तमे भूली गया हो, तो चलो आनु सॉल्यूशन समझिए। आपणे गाला एसाइनमेंट में हो, गाला एसाइनमेंट सॉल्यूशन तमाम विडियो मैं बनावेला है बधाज पेपरना,
તમારા કદાચ જોવાના બાકી હોય અથવા રિવિઝન કરવા માંગતા હોય તો જોઈ લેજો એકવાર. ઓકે વિદ્યાર્થીઓ, તો તમને ત્રિઘાત બહુપદીની વાત કરી છે, ત્રિઘાત એટલે કે ત્રણ ઘાતવાળી. હવે ત્રિઘાત બહુપદીના મહત્તમ ત્રણ શૂન્ય આવે મેક્સિમમ, તો અહીંયા સમજો કે ત્રણે ત્રણ શૂન્ય આવી જ જાય છે અને એ ત્રણ શૂન્યમાંથી બે શૂન્યની કિંમત ઝીરો છે. ત્રણ શૂન્યમાંથી વિદ્યાર્થીઓ બે શૂન્યની કિંમત ઝીરો છે. તો એ લોકોનો કેવું એવું છે કે તો ભાઈ એ બહુપદીમાં એક્સવાળું પદ અને અચરપદ આ બે પદની હોય, એક્સવાળું પદ નહીં દેખાય, અચરપદ નહીં દેખાય, એવું એ લોકોનું કેવું છે. તો આપણે ચેક કરીએ. એટલે વિદ્યાર્થીઓ મતલબ એવો કે આપણે બહુપદી બનાવવી પડશે. આપણે શું કરવું પડશે? આ રકમ પ્રમાણે આપણે એક બહુપદી બનાવવી પડશે. તો ચાલો વિદ્યાર્થીઓ આપણે બહુપદી બનાવીએ. તો તમને શૂન્યની વાત કરી છે, હવે બે શૂન્યની કિંમત ઝીરો છે. કેટલા શૂન્યની કિંમત? ઝીરો. શૂન્ય એટલે એક્સની કિંમત, એટલે પહેલું શૂન્ય એક્સ બરાબર ઝીરો, બીજું શૂન્ય પણ એક્સ બરાબર ઝીરો. શૂન્યની વચ્ચે આપણે અઠવા લખીશું એટલે કે ઓર. અને વિદ્યાર્થીઓ ત્રીજું શૂન્ય તો એ લોકોએ કંઈ કીધું જ નથી, એટલે કંઈક તો હશે ત્રીજું શૂન્ય, ભલે રકમમાં કંઈ નથી કીધું પણ કંઈક હશે. તો આપણે ત્રીજા શૂન્યને આપણે આલ્ફા નામ આપી દઈએ. શું નામ આપી દઈએ વિદ્યાર્થીઓ? આલ્ફા. ઓકે વિદ્યાર્થીઓ, હવે જો આપણે બહુપદી બનાવવાની છે તો જો આ એક્સ બરાબર ઝીરો તો બેઠું તૈયાર છે, આમાં પણ એક્સ બરાબર ઝીરો તૈયાર છે, પરંતુ વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા જમણી બાજુ ઝીરો નથી, એટલે આલ્ફાને તમે ડાબી બાજુ લઈ આવો. તો આલ્ફાને તમે ડાબી બાજુ લાવશો તો એક્સ માઇનસ આલ્ફા બરાબર ઝીરો લખાય. હવે વિદ્યાર્થીઓ આપણે આ ત્રણે ત્રણના ગુણાકાર કરવાના. શું કરવાના વિદ્યાર્થીઓ? ગુણાકાર. તો અહીંયા છે એક્સ, પછી આ છે એક્સ, અને આ બાજુ કોણ દેખાય છે તમને? એક્સ માઇનસ આલ્ફા. એના બરાબર ઝીરો ગુણ્યા ઝીરો ગુણ્યા ઝીરો, એટલે એ ગુણાકાર ઝીરો જ થાય. હવે આપણે સાદરૂપ આપીશું તો આ એક્સ અને એક્સનો ગુણાકાર થાય એક્સ સ્ક્વેર, બાજુમાં એક્સ માઇનસ આલ્ફા બરાબર ઝીરો. હવે તમારે આ એક્સ સ્ક્વેરને અંદર ગુણી નાખવાનું છે, તો તમે એક્સ સ્ક્વેરને એક્સ વડે ગુણશો તો એક્સ ક્યુબ માઇનસ આલ્ફાને એક્સ સ્ક્વેર વડે ગુણ્યા તો આલ્ફા એક્સ સ્ક્વેર લખાય. તો વિદ્યાર્થીઓ આ આપણી બહુપદી બની ગઈ. આ શું બની ગઈ વિદ્યાર્થીઓ? આ છે બહુપદી. હવે આપણી આપણે બહુપદી શોધી કરી, આપણે એક એવી બહુપદી શોધી કરી કે જેના બે શૂન્ય છે ઝીરો. ઓકે, હવે એ લોકોનું એવું કેવું છે કે જો એવી એવી બહુપદી તમે શોધો તો તે બહુપદીમાં એક્સવાળું પદ નહીં આવે, અચર પદ નહીં આવે, તો તમને શું આમાં એક્સવાળું પદ દેખાય છે? તો ના વિદ્યાર્થીઓ, એક્સવાળું પદ નથી દેખાતું. અચર પદ દેખાય છે તમને? નથી દેખાતું. આપણને બે પદ દેખાય છે, એક છે એક્સની ત્રણ ઘાટવાળું પદ અને બીજું એક્સ સ્ક્વેરવાળું પદ, એટલે આ બે પદ નથી દેખાતા, એટલે એ લોકોની વાત સાચી છે. કેવી છે? સાચી, એટલે આનો જવાબ આવશે ખરું. ચાલો એના પછી 58મો ક્વેશ્ચન, આમાં જોડકું આપેલું છે. તો જોડકાનો સવાલ છે કે દ્વિઘાત બહુપદીને ત્રણ શૂન્ય વધુમાં વધુ હોઈ શકે, હા કે ના? વિદ્યાર્થીઓ જો દ્વિઘાત એટલે બે ઘાટવાળી બહુપદી, યાદ રાખો વિદ્યાર્થીઓ. તમને આ રીતે તમને એક વસ્તુ મેં તમને કોન્સેપ્ટ બુસ્ટરમાં લખાવેલી જતી, એટલે કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરાવેલો આ ચેપ્ટરનો, કે એન ઘાટવાળી બહુપદી, કેટલા ઘાટવાળી બહુપદી વિદ્યાર્થીઓ? એન ઘાટવાળી બહુપદીને મહત્તમ એમ એન શૂન્ય હોય. કેટલા શૂન્ય હોય? મહત્તમ એન શૂન્ય હોય. ઓકે, આ વસ્તુ મેં તમને શીખવાડેલી. તો એ લોકો દ્વિઘાટની વાત કરે, દ્વિઘાત એટલે બે ઘાટવાળી. તો બે ઘાટવાળી બહુપદીને કેટલા શૂન્ય હોય? મહત્તમ બે શૂન્ય હોય. તો એ લોકો જોડકામાં એવું કહી રહ્યા છે કે ત્રણ શૂન્ય વધુમાં વધુ, મહત્તમનો મિનિંગ વધુમાં વધુ જ થાય. ઓકે, વધુમાં વધુ એટલે જ મહત્તમ. તો વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા જોડકામાં બે હોવું જોઈએ, કે દ્વિઘાત બહુપદીને બે શૂન્ય વધુમાં વધુ હોય, પણ એ લોકોએ ત્રણ આપ્યું એટલે એ લોકો ખોટું છે, એટલે ના, ખોટી વાત. ઓકે વિદ્યાર્થીઓ, ખ્યાલ આવશે તમને. ચાલો, તો મતલબમાં ચાર ક્વેશ્ચન પૂરા થાય છે. હવે આપણે આગળ વધીએ તો સૌથી પહેલાં તમે આને સ્ટડી કરી લો, સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો લઈ લો, અને નોટબુક બનાવતા હોય તો સારા અક્ષરે લખો અને જાતે કરવાનો પ્રયત્ન કરજો, બરાબર સોલ્યુશન. તો ચાલો આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. ચાલો વિદ્યાર્થીઓ આગળ વધીએ. તો હવે આપણે આવ્યા છે ક્વેશ્ચન નંબર 59. તો વિદ્યાર્થીઓ જોઈએ રકમમાં શું કીધું છે, કે પી ઓફ એક્સ બરાબર, વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા એ લોકોની રકમમાં ભૂલ છે, અહીંયા એક્સની વાય લેવું પડે, કેમ કે બહુપદી ચલ વાયમાં છે, એટલે આ જે પેપર સેટ છે તેમાં જ પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક છે ને, એ જ બેઠું મેં બોર્ડ પર લખેલું છે. તો વિદ્યાર્થીઓ ચાલો મેં સુધારી કર્યું છે, પી ઓફ વાય બરાબર 2y² પ્લસ 5y² માં બહુપદીની ઘાટ 2 છે. વિદ્યાર્થીઓ બહુપદીની ઘાટ, બહુપદીની ઘાટ એટલે આ બહુપદીમાં મોટામાં મોટી ઘાટ કેટલી? આજે તમને જેટલા પણ પદ દેખાય છે તે તમામ પદના જેટલા બી ચલ છે તે ચલની મોટામાં મોટી ઘાટને બહુપદીની ઘાટ કહેવાય. હવે વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા તમને વાયની બે ઘાત દેખાય, આમાં વાયની કઈ નહીં એટલે એક ઘાત સમજવાની, આમાં વાય જ નથી એટલે ઝીરો ઘાત સમજવાની. તો ઝીરો ઘાત, એક ઘાત, બે ઘાત, તો મોટામાં મોટી ઘાત કેટલી થઈ? 2, એટલે સાચું છે. કેવું છે વિદ્યાર્થીઓ? ખરું. ચલો એના પછી પ્રશ્ન 60.
जो त्रण ए बहुपदी पी ऑफ एक्स बराबर के माइनस अगियार एक्स वत्ता एक्स स्क्वेर एक शून्य हो तो के बराबर बेतालीस थे। तो विद्यार्थी के नी किंमत शोधी नाखो, जो लो के नी किंमत बेतालीस आए तो साचु, नहीं आए तो खोटू। तो विद्यार्थी के नी किंमत केवी रीते शोधवानी, तो तेनी हिंट आपेली है कि आज बहुपदी पी ऑफ एक्स है तेनु एक शून्य आपेलू है त्रण, तो आ शून्य की मदद थी के नी किंमत शोधी नाखी। तो साइठमो प्रश्न, तो विद्यार्थी आज बहुपदी पी ऑफ एक्स है तेनु शून्य है त्रण, एनो मतलब एवो थाय कि आपणे आ बहुपदी में एक्स की जगह पर त्रण मूकीए, पी ऑफ एक्स में एक्स की जगह पर त्रण मूकीए तो जवाब जीरो आए। केम? केम के त्रण ए पी ऑफ एक्स शून्य है। हम विद्यार्थी पी ऑफ थ्री सादुरूप आपवानुं, एटले आज बहुपदी पी ऑफ एक्स बराबर आज तमने देखाय छे तेमां एक्स की जगह त्रण मूकीने आ बैठो अहीं लखवानुं, एटले के बैठो पछी माइनस अगियार एक्स में अगियार बैठा ने एक्स आव्यो एटले एक्स की जगह पर त्रण मूकवाना, वत्ता एक्स स्क्वेर एटले एक्स आव्यो एटले एक्स की जगह पर त्रण एटले के त्रणनो वर्ग बराबर जीरो। हवे सादुरूप तो के बैठो माइनस अगियार टाली तेत्रीस अने त्रणनो वर्ग नौ एना बराबर जीरो। के चलो विद्यार्थी आ सादुरूप, ओछा तेत्रीस वत्ता नौ एट चिन्ह जुदा एट बादबाकी, तेत्रीस माथी नौ जाए तो चौबीस अने तेत्रीस मोटा एट माइनसनु चिन्ह। ओके विद्यार्थी ख्याल आवशे? तो विद्यार्थी माइनस चौबीस ने पेली बाजू लई जाओ एटले के बराबर प्लस चौबीस, तो के नो जवाब प्लस चौबीस आए हैं, ये लोग अँ बेतालीस आप चौबीस ऊँधू कर दीद, खोटू। चौबीस ऊँधू करने कहीं के बेतालीस है कहीं साचू थोड़ू थाय, खोटू है आ विधान केव खोटू। चलो एना पे क्वेश्चन नंबर 61 ध्यान आपजो। आ सवाल जुआ जाए तो नवो है, अत्यार सुधी कदा तब नहीं जो हो बराबर। चलो तो समझो एक साथ मामा, जो कोई त्रिघात बहुपदीना बधाज शून्य ऋण हो तो बहुपदीना बधाज पदों सहगुणकों तथा अचर पदनी संज्ञा सामन हो। रकम एवं कहवा माँगे कि भाई कोई बहुपदी है, हमें त्रिघात एट त्रण घाटवाड़ी, त्रण घाटवाड़ी बहुपदीना महत्तम त्रण शून्य आए, मान लो कि त्रे त्रण शून्य कहवा ऋण है, कहवा है विद्यार्थी त्रिघात बहुपदीना त्रे त्रण शून्य ऋण है। ओके ऋण एट माइनस में, तो विद्यार्थी लोग एवं कहें कि जो आए त्रे त्रण शून्य ऋण तो यहाँ बढ़ाज पद जेटला भी पद हो बढ़ा सहगुणको अचर पद की संज्ञा सामन बराबर। सहगुणक एट एक्स की त्रण घाट सहगुणक, एक्स की बे घाट सहगुणक, एक्स सहगुणक छेल्ले जे रही जाए अचर पद, आ बढ़ा चिन्ह सामन एट बहुपदी है तेमा बधाज पद काटो वट्टा में होय काटो ओछा में, एवं ए लोको कहे छे के बहुपदीना बधाज पद वट्टा में होय अथवा बधाज पद ओछा में, क्यारे के जो शून्य ऋण होय बधाज शून्य ऋण होय त्यारे। तो शुं ए लोको साचुं कहे छे के खोटुं कहे छे ते तमारे नक्की करवानुं छे। तो विद्यार्थी चलो तमे भी विचारो केवी रीते तमने सॉल्व करी शको, तमे विडियो पॉज करीने तमे थिंकिंग करी शको छो। चलो तो हूँ सॉल्यूशन स्टार्ट करूँ। तो विद्यार्थी आपणे एक एक्जाम्पल नी मदद थी चेक करी लईए, एकदम शॉर्टकट और एकदम इजी मेथड बताओ कि तुम एक एक्जाम्पल लेव। तो विद्यार्थी त्रण घाटवाड़ी बहुपदी बधाज शून्य ऋण, एटले आपणे शून्य ने धारी लईए कि धारो कि कोई एक बहुपदी है त्रण घाटवाड़ी, तेना त्रण शून्य लई लिया पण शून्य केवा लेवाना ऋण लेवाना। तो धारो कि विद्यार्थी शून्य एटले एक्स की किंमत, मान लो कि धारो कि एक्स बराबर माइनस एक, एक्स बराबर माइनस बे ने एक्स बराबर त्रण, सॉरी माइनस त्रण, आवुं कंईक राख्या चालशे विद्यार्थी? माइनस एक माइनस बे ने माइनस त्रण चालशे ने विद्यार्थी? कहीं वांधो नथी ने। हवे विद्यार्थी आपणे आ शून्य की मदद थी बहुपदी बनावीए तो एनी प्रोसेस शू? तो चलो माइनस एक ने आ बाजू लावो एटले एक्स प्लस वन बराबर जीरो, माइनस बे ने लावीए तो एक्स प्लस टू बराबर जीरो, माइनस त्रण ने लावीए तो एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो। हवे विद्यार्थी आ बधानो गुणाकार करवानो, एटले एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो। ओके विद्यार्थी तो अहींथी नक्की थी जाए, तो मैं सादुरूप आपसो तो आखो सादुरूप में बधाज पद वट्टा में आवशे केम के कसे ओछा छे ज नहीं। जो जाए तो अहींथी नक्की थी गयो कि बधाज पद चिन्ह वट्टा में है, बधा पद की संज्ञा सामन थाय विद्यार्थी। ओके तो विद्यार्थी चलो छठा पद तमने सादुरूप आपी दूँ, तो आ बेनो गुणाकार करिए तो एक्स गुणिया एक्स एट एक्स स्क्वेर, एक्स ने बे साथ गुणिए तो बे एक्स, आ बेनो गुणाकार एक्स ने बे एका बे, बाजू में एक्स वत्ता त्रण ने अत्यारे बैठा ज राखो। चलो सादुरूप में आगर वधो, एक्स स्क्वेर आ बे एक्स और एक्स सरवाळो थाय त्रण एक्स वत्ता बे इंटू एक्स वत्ता त्रण बराबर जीरो। ख्याल आवशे विद्यार्थी? चलो एना पछी चलो हवे आ बेनो गुणाकार, एक्स स्क्वेर ने एक्स साथ गुणिए तो एक्स क्यूब, आ बेनो थाय त्रण एक्स नो वर्ग।
चलो त्रण एक्स ने एक साथ गुणिए तो पाछू त्रण एक्स नो वर्ग, त्रण एक्स ने त्रण साथ गुणिए तो तौटाली नव एक्स, आ बेनो गुणाकार बे एक्स अने छेले बे टाली छ। तो विद्यार्थियों एक्स नो घन वत्ता त्रण ने त्रण छ एक्स नो वर्ग, नव एक्स वत्ता बे एक्स एटले अगियार एक्स अने आ वत्ता छ बराबर जीरो। तो तमे जोई लो विद्यार्थी बढ़ा पद वत्ता में आवे एटले बढ़ा ज पदना संज्ञा समान छे। केम के विद्यार्थी सीधी बात है, जो शून्य माइनस में हो गमे तो शून्य आए माइनस में आए तेने आपणे बाजू पलट करी एटले प्लस में थी जाए, बधु ज पद प्लस 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 थी जाए, बधा ज पद प्लस में एटले चिन्ह समान संज्ञा समान एटले साचू कहे छे लोको। खरुँ ख्याल आवशे विद्यार्थियों, खूब ज सरस सवाल हतो, आई होप के तमने ख्याल आवे छे। एना पछी लास्ट 62मो क्वेश्चन, जो त्रिघात बहुपदी पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेर प्लस सी एक्स प्लस डी ना बे शून्य जीरो हो तो सी बराबर डी बराबर जीरो। तो विद्यार्थियों तमने त्रण घाटवाड़ी बहुपदी की बात करे लोग त्रिघात बहुपदी एना बे शून्य जीरो। तो विद्यार्थी हम तो आप सॉल्व करो आ 59 ऊपर एट कदा 57 के 56 के 57 एकाद हो कि यहाँ पर कीधेलू कि बे शून्य जीरो हो तो एक्स वालू पद और अचर पद न हो साचू बनेलू बराबर विद्यार्थी। तो एज रकम है विद्यार्थियों, रकम ने लखवानो अंदाज बदली करेलो है, शू बदली करो अंदाज, परंतु रकम एज है विद्यार्थियों, एज है कपड़ा बदली कर रकम विद्यार्थियों, बीजू कहीं नहीं करूँ। तो विद्यार्थियों आ त्रिघात बहुपदी हवे एमां बे शून्य जीरो, पहलू शून्य जीरो बीजू शून्य जीरो, तो सी बराबर डी बराबर जीरो एट सी वालू पद जीरो, आ डी वालू पद जीरो, आ बे पद जीरो एट आ बे देखाय ज नहीं बहुपदी में, एट्ले आ बे ज बचे। तो साची बात विद्यार्थियों बराबर, हमणां ज आपणे सॉल्व कर्यो एटले आ विधान केवुं छे खरुं छे। ओके विद्यार्थियों, तो सॉल्यूशन पूरुं थाय छे, तमे आनो स्क्रीनशॉट लई शको छो, सॉल्व करवानो प्रयत्न करो एकवार तमे जाते, केम के हवे तमने ख्याल तो आवी गयो छे सॉल्यूशन कई रीते थाय, तो तमे पण एकवार प्रेक्टिस् करी लेवो, नोटबुक बनावी तो सारा अक्षरे लखी लखीने मस्त रीते तैयारी करो। ओके तो लेवो स्क्रीनशॉट लई लो। तो विद्यार्थियों आज पेपर सेट में मैं जो क्वेश्चन लीधा है, तो आ पेपर सेटना बढ़ा ज क्वेश्चन पूरा थाय छे। हवे आपणे नेक्स्ट लेक्चर में नो कोई बीजो पेपर सेट एटले कदाच लिबर्टी पेपर सेटना हूँ सॉल्यूशन करावीश, चैप्टर नंबर बे बहुपदीना शॉर्ट क्वेश्चन। क्यों पेपर सेट विद्यार्थियों? लिबर्टी पेपर सेट। ओके चालशे ने तमने? लिबर्टी में पण खूब ज सरस मजाना क्वेश्चन आपेला होय छे, तमने सारी प्रेक्टिस थशे। ओके तो आज आटलू राखीए छे आपणे, हवे नेक्स्ट विडियो टूंक समय में आवी जशे। ओके अने बधा ज विडियो जोता रहेजो, अने हाँ बीजे एक तमने रिक्वेस्ट छे, तमारी बस मने खाली तमारी एक ज हेल्प जोईए के आ जे विडियो छे मारा तेने तमारा दरेक मित्र सुधी तमारा दरेक व्हाट्सअप ग्रुप में शेर करी दो। तमे तमारा व्हाट्सअपना स्टेटस में पण आ विडियोनी लिंक ने मूकी सको छो, बस आटली एक नानी हेल्प करता रहेजो। अने जे कोईपण विद्यार्थी आ चेनल पर नवा आवे छे ते लोको सब्सक्राइब करी देजो, तमने आ चेनल उपयोगी थशे, खूब ज काम लागशे। ओके विद्यार्थियों, तो मळीए आपणे नेक्स्ट लेक्चर में, आवजो, बाय, जय हिंद।